नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। होली आ रही है, सब गुजिया बना रहे हैं, हमने भी गुजिया की तैयारी कर ली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, वो भी खोए की। इसमें सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। हमने लिया 2 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम, इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। हमारा काजू और बादाम भून चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, फिर हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे लच्छा वाला नारियल, इसे भी हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं तो हमारे गुजिया 10 से 15 दिन तक टिकी रहती है, ख़राब नहीं होती। मेवा जब भून जाता है तो खुशबू भी अच्छी आने लगती है। नारियल का भी कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मगज, इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मेवे से अच्छी सी खुशबू आ रही है, मेवा हमारा हो गया, हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। हम कटी हुई किशमिश डाल देंगे और थोड़ा सा खसखस डाल देंगे। ये फ्लेम बंद कर देंगे। मेवा भून लेने के बाद अब हम भूनेंगे सूजी। इसके लिए हम डालेंगे फ्राइंग पैन में 1 चम्मच देसी घी, इसमें डालेंगे सूजी। अब सूजी को हम अच्छी तरह से चलाएंगे। इस सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सूजी मारी हो गई है। अब इसमें हम खोया डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे कि दोनों मिक्स हो जाए। इसको लगातार चलाते रहेंगे भरभरा होने तक। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, इसका फ्लेम बंद करेंगे। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। अभी मिश्रण थोड़ा गर्म है, इसमें हम मिला लेंगे पीसी चीनी, जो हमने मेवा भून करके रखा हुआ था वो मिलाएंगे, और पीसी हुई छोटी इलायची मिलाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम गुजिया के लिए डो तैयार करेंगे। हम लेंगे मैदा, मैदे को छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे, ये मैंने छान कर रखा हुआ था। अब मोयन के लिए डालेंगे देसी घी 2 चम्मच। अब इसे मिक्स करेंगे। आप देसी घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। मैदे और घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हमारा ये मोयन तैयार हो गया है। इसको चेक करने के लिए ऐसे हम मोटी बांध देंगे, एकदम लड्डू की तरह बन जाता है। अब इसमें हम गुनगुना पानी डाल के गूंथेंगे। अब हमारा टाइट डो तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी पूरियां बनाएंगे। अब इसे हम चाकू से छोटा छोटा काट लेंगे। इसको बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, ना बहुत पतला बेलेंगे। ये हमारा गुजिया बनाने का साँचा है, ये मार्केट में मिलता है। इस साँचे पर हम जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेले थे इसको रख लेंगे। अब इसमें हम ये फिलिंग भरेंगे। अब इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे और इसको टाइट बंद कर देंगे। अब जो मैदा है एक्स्ट्रा, इसको निकाल लेंगे। ये हमारी गुजिया तैयार होगा। ये पानी गोंद का काम करता है, इसलिए पानी लगाते हैं गुजिया घी में खुले ना। ये तो रही सांचे की बात। अब हम हाथ से बनाएंगे। इन पूरियों को हाथ में लेकर के इसमें फिलिंग करेंगे और इसके किनारे किनारे यही पानी लगाएंगे। पानी इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक गोंद का काम करता है। इसको ऐसे दोनों तरफ से पकड़ करके दबा देंगे। इसमें ऐसे डिजाइन बना लेंगे। आपको यदि छोटी छोटी पूड़ी बनाने के लिए झंझट लग रहा है तो आप एक बड़ी शीट बना सकते हैं मैदे की, उसको गिलास से या किसी कटोरी से बड़े काट लीजिए। फलफल लगा लगा मैदे का फलफल लगा दिया हमने। अब इसको काटेंगे। अब इसे एक एक करके हम हटा देंगे। मैं रोटी छोटी छोटी तैयार हो गई।
गुजिया हमारा रेडी है और घी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुजिया डालेंगे एक एक करके और फ्राई करेंगे।